हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्लास सेवेंथ का चैप्टर एट, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप अपनी बुक भी खोल सकते हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं, या फिर मेरे साथ ही आप यहाँ पर साथ साथ इसको पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ओरिसा वॉज हिट बाय अ साइक्लोन विद विंड स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर ऑन 18 अक्टूबर 1999। तो लगभग 20 साल पहले की ये बात कर रहे हैं कि ओडिशा में एक साइक्लोन आया था जिसकी विंड स्पीड कितनी थी, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो आया था। ठीक है, अब इस साइक्लोन के अंदर 45,000 घर जो हैं वो पूरे बर्बाद हो गए थे और 7 लाख लोग जो हैं वो बेघर हो गए थे। देखो कितनी ज्यादा तादाद है इसमें। ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर, अब उसी साल में 29 अक्टूबर को एक दूसरा साइक्लोन आया जो उससे भी ज्यादा रफ्तार का था, 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हिट ओरिसा अगेन। दोबारा से उसी जगह पर एक और साइक्लोन आया और वो उससे भी ज्यादा स्पीड का था। इट वॉज एकम्पनेड बाय वाटर वेव्स अबाउट 9 मीटर्स हाई। अब इस साइक्लोन के साथ में लगभग 9 मीटर ऊंची पानी की वेव्स भी आई थी। ठीक है, थाउजेंड ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, हजारों लोग उसमें मर गए थे। प्रॉपर्टी वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज वॉज डिस्ट्रॉयड, करोड़ों रुपए की जो संपत्ति थी वो भी बर्बाद हो गई। द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। अब देखो, किसी जगह पे साइक्लोन आ रहा है तो उस जगह पे साइक्लोन आ रहा है, इसका मतलब वहां पे बर्बादी हो रही है, तो वहां पर बचा ही क्या होगा। वहां पर रहने वाले लोगों के उस पर इफेक्ट पड़ा होगा, वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनके घर बर्बाद हुए होंगे, वहां पर रहने वाले जो जानवर होते हैं वो गए। इसके अलावा कोई आपका जो यातायात के लिए जो ट्रांसपोर्ट होता है, इन सब चीज़ों में भी आपका लॉस हो गया। इसके अलावा कोई वहाँ पर खेती है या फिर किसी भी चीज़ की जो होगी वो सभी चीज़ बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो भी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, सारे तार वगैरह ये सब चीज़ें सब बर्बाद। ठीक है, सो बेसिकली जहाँ पर भी साइक्लोन है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि जहाँ पर साइक्लोन आएगा वहाँ पर पूरी बर्बादी हो जाएगी। सो अब देखो, यहाँ पर जो है आपको ये एक सैटेलाइट से इमेज दिखाई जा रही है। ठीक है, यहाँ पर सैटेलाइट से कुछ इमेज इस तरीके की दिख रही है। अब वो जो बीच में एक गोला वोला बन रहा है ना, उसी को साइक्लोन बोलते हैं। सो इस जगह पर देखो कितना बड़ा साइक्लोन है, जो सैटेलाइट से इतना दिख रहा है तो वो असल में कितने किलोमीटर दूर तक का होगा। ठीक है, सो ये ओरिसा का जो है आपको साइक्लोन दिखाया जा रहा है, जो कि सैटेलाइट से ली गई है तस्वीर। अब बात आती है कि हम साइक्लोन की बात कर रहे हैं कि साइक्लोन आया था ओडिशा में। अब ये साइक्लोन है क्या, कैसे बनता है ये साइक्लोन, और ये इतना ज्यादा घातक क्यों है, मतलब इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव क्यों है ये, कि इतना ज्यादा से डिस्ट्रक्शन कर दिया लोगों को, उनके काम को, उनकी जगह को, ठीक है, उनकी खेती को, वहां पर रहने वाले जानवरों को, सब चीज को। इन दिस चैप्टर वी शैल सी क्वेश्चंस के आंसर्स। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स को देख लेंगे। ठीक है, वी बिगिन विथ सम एक्टिविटीज, और आपके पास में इसमें कुछ एक्टिविटीज होंगी। एक्टिविटीज आपको समझाने के लिए होती हैं कि उससे आप जो है टॉपिक को समझ पाओ। ठीक है, तो आप जो है एक्टिविटीज से समझ पाओगे कि यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहा है। तो उससे पहले हम जो है एक्टिविटीज को करेंगे, फिर हम समझेंगे कि उससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, यानी क्या सीखने को मिलता है। सबसे पहले देखते हैं, देखिए यहाँ पर इसने खुद भी लिखा हुआ है। ठीक है, दीज एक्टिविटीज विल क्लैरिफाई सम बेसिक फीचर्स कंसर्निंग अ साइक्लोन। सो इन एक्टिविटीज से आपके जो कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं, जो आपकी बेसिक जो नॉलेज आपको चाहिए होती है, वो उनसे पता चलती है। अब यहाँ पर आपको जो है ध्यान देना है, द मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। ठीक है, द मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। अभी देखो यहाँ पर जो है एक्टिविटी 8.1, ठीक है, एक एक्टिविटी जो 8.1 है उसके अंदर देखते हैं सबसे पहले क्या है। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी भी एक्टिविटी के अंदर हीटिंग होती है तो वो किसी बड़े की या फिर अपने टीचर की प्रेजेंस में करनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए नीचे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है कि इस एक्टिविटी के अंदर आपको जो है वाटर को बॉइल करना है। आपको जो है एक टिन कैन लेनी है जिसका ढक्कन भी होगा साथ में। अब उसको टिन कैन को आपको आधा पानी से फिल कर लेना है। पानी से फिल करने के बाद आपको उसको बॉइल करना है। ठीक है, किसी भी चीज पर बॉईल कर लो। अब उस पानी को आपको उबालना है। ठीक है, कुछ मिनट जब वो उबल जाएगा पानी, उसके बाद में आपको उस पर ढक्कन लगा देना है और उसको बंद कर देना है। अब जब मेरा पानी उबल रहा था और एकदम से आपने उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया, अब वो पानी एकदम से तो रुक नहीं जाएगा उबलना। ठीक है, तो धीरे धीरे अब क्या होगा, उसके अंदर जो वेपर्स जो पहले बन रहे थे, उबलते टाइम उसमें से भाप निकलती है पानी में से,
ठीक है। अब जब आप ढक्कन बंद कर दोगे तो वो भाप जो है वो बाहर तो जा नहीं पाएगी, वो कहाँ रहेगी, उस टिन की कैन के अंदर ही रहेगी, ठीक है। तो जब भी आप जो है, अगर आपके घर में कोई आप भगोना ऐसे ढक देते हो, ठीक है, भगोना आपने ढक दिया और वो गरम गरम था, उसके थोड़ी देर बाद अगर आप आके देखोगे तो आप उसपे से प्लेट को हटाओगे तो आप देखोगे प्लेट ना पूरी गीली हो चुकी है, उसके ऊपर पानी लगा हुआ होगा पूरी के ऊपर, और वो फिर वैसे टपक रहा होगा, ठीक है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जो आपका जो गर्म पानी था ना, जो वेपर्स थे वो उसमें से निकल रहे थे, लेकिन क्योंकि उनको इन्वायरमेंट में जाने के लिए जगह नहीं मिली, इसीलिए वो उस सरफेस पे जाके चिपक गए, और वो जैसे जैसे वहां पर ठंडे होते गए तो वो कंडेंस होते गए, कंडेंस होके उन्होंने क्या बनाया, पानी। अब जब वो पानी बन गया तो वो वापस से कहाँ गिरेंगे, उसी आपका जो बकेट हो गया, फिर जो भी चीज होगी उसी बर्तन के अंदर वो गिरने लग जाएंगे। तो ऐसे करके जो है ना, यही चीज ये इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर भी कर रहा है। अब जब मेरा पानी गर्म हो रहा है, मैंने उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया है, गैस वैस सब बंद कर दिया, ठीक है। अब जो है मेरा पानी गर्म होगा, ऊपर जाएगा, अब जब पानी गर्म हो रहा था वो धीरे धीरे ठंडा होना शुरू होगा, जब पानी मेरा ठंडा होगा तो वो जो मेरा वाटर वेपर्स हैं वो कंडेंस होंगे, क्योंकि वो ठंडे हो रहे हैं, कंडेंस होके वो क्या बनाएंगे, लिक्विड बनाएंगे, जो कि मेरा वाटर है, ठीक है। तो वो पानी बनाएंगे वापस से। अभी देखो यहाँ पर ये सिर्फ इतना कह रहा है कि आपने जो है उसके ऊपर जो है टाइटली कैन को बंद कर दिया है, लिड लगा दिया, यानी ढक्कन लगा दिया उसके ऊपर, ठीक है। पुट द कैन केयरफुली इन मेटेलिक बेसिन और अ वॉश बेसिन, पोर फ्रेश वाटर ओवर द कैन, ठीक है। सो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे, मैंने उसके अंदर पानी लिया, गरम किया, उबल गया अच्छे से, बंद कर दिया उसको, ढक्कन लगा दिया उसके ऊपर। अब मैंने उसको आराम से उठाया और उसके ऊपर जाके उसमें रख दिया, सिंक के अंदर डाल दिया, चलो ठीक है। उसके बाद में मैंने उस पे जो नॉर्मल पानी होता है ना, जो नॉर्मल पानी होता है, मैंने उसके ऊपर वो डाल दिया। अब आपको देखना है कि उसमें क्या हुआ। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जो शेप है कैन की वो कुछ इस तरीके की हो गई है। तो कैन की शेप देख रहे हो पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है, तो यानी वो पिचक गई है। तो आप बता सकते हो ऐसा क्यों हुआ है, कैन जो थी वो पहले ऐसी थी लेकिन अब जब मैंने उसमें पानी गर्म किया उसके बाद में मैंने पानी उसके ऊपर से डाला तो ऐसी हो गई, इसके पीछे क्या रीजन है। सो यहाँ पर ये कह रहा है, कैन यू गेस वाई द शेप ऑफ द कैन गेट्स डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड का मतलब यही है कि वो पहले जैसी थी उससे वो कुछ बिगड़ गई है, ठीक है। इफ यू कैन नॉट गेट अ टिन कैन, अब ये कह रहा है कि अगर आपके पास में से टिन की कैन नहीं है तो आप जो है प्लास्टिक बॉटल का भी यूज कर सकते हो, जो प्लास्टिक की बॉटल जिनके अंदर वो फेंटा वगैरह ये सब आती है, तो आप उनका भी यूज कर सकते हो। अब उसको क्या करना है, आप जो है उसको गर्म करने के लिए नहीं रख सकते हो, प्लास्टिक की बॉटल है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके अंदर गर्म पानी भर देना है, गर्म पानी भर दोगे फिर उसे खाली कर दो, वो बॉटल तो गर्म रह गई, अब उसको जो है टाइटली बंद कर दो, उसके बाद में उसके ऊपर ठंडा पानी डालो, वो भी आपको सेम ही चीज देगा, तो उसके अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही बॉटल पिचक जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप इंग्लिश में पढ़ोगे ना तो यही चीज उसने लिखी हुई है, टेक अ सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल, फिल इट विद हॉट वाटर, एम्प्टी द बॉटल इमीजिएटली, कैप इट टाइटली, प्लेस द बॉटल अंडर रनिंग वाटर, सेम चीज है, ठीक है। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि अपने कुछ एक्सपीरियंस जो आपने ऑब्जर्व खुद किए हैं उनको आपको याद करना है। देखो ये कह रहा है कि जब आप पतंग उड़ाते हो, ठीक है, अभी 15 अगस्त गया है, जब आप पतंग उड़ाते हो तो पतंग उड़ाते हुए पतंग को उड़ाने में हेल्प करती है अगर हवा मेरे पीछे से आ रही होगी, ठीक है। तो अगर हवा मेरे पीछे की तरफ से चल रही होगी तो पतंग उड़ाने में मेरे को मदद मिलेगी, ठीक है। अगर इसी तरीके से आप जो है बोट के अंदर बैठे हो तो अगर हवा जो है वो मेरे पीछे की तरफ से आ रही है, ठीक है, हवा मेरे पीछे की तरफ से आ रही है तो उसका मतलब मैं इस तरफ मूव कर रही हूँ, सपोज करो कि मैं इस तरफ मूव कर रही हूँ, ठीक है, बोट के अंदर, और हवा इसी तरफ से आ रही है तो वो मेरी ही डायरेक्शन में जा रही है, तो वो मेरे को मदद करेगी आगे बढ़ने में। लेकिन वहीं पर अगर मैं साइकिल चला रही हूँ, ठीक है, और हवा इस तरफ आ रही है, मेरी तरफ आ रही है हवा, और मेरे को उस तरफ बढ़ना है, तो उससे मेरे को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ज्यादा पैडल मारना पड़ेगा, तो इससे मेरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में मेहनत करनी पड़ रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, बेसिकली यहाँ पर अब हम वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक मैंने जो है आपको ये बता दिया है, ठीक है, इसने वही चीज यहाँ पर लिखी है। तो अब यहाँ पर है, यू नो यू हैव टू फिल एयर इन टू बाइसिकल, तो बाइसिकल के ट्यूब के अंदर भी आपको जो है उसकी जो ट्यूब होती है उसके अंदर हवा बिल्कुल ध्यान से भरनी होती है, ना तो वो ज्यादा होनी चाहिए ना ही वो कम होनी चाहिए। अगर वो कम रहेगी तो आपका टायर ऐसे पिचक जाएगा, ठीक है, अगर वो ज्यादा रहेगी तो आपकी जो है वो हवा ज्यादा फिल हो गई, इसका मतलब वो जरूरत से ज्यादा भर दिया आपने, ठीक है, तो आपका जो टायर है वो फट भी सकता है।
तो इसीलिए डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, ये सब फालतू की चीज है। इसके बाद में हम आते हैं इसके ऊपर, ऑल दीज एक्सपीरियंसेस शो दैट द एयर एग्जर्ट्स प्रेशर। अगर हवा मेरे ऊपर आगे से प्रेशर डाल रही होगी, दबाव डाल रही होगी, तभी तो मैं आगे नहीं बढ़ पा रही, ठीक है। तो हवा का प्रेशर इतना तेज है कि मेरे को आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है, और हवा का प्रेशर अगर मेरी ही डायरेक्शन में होगा तो इसका मतलब वो मेरे को मदद कर रही है, तो इसका मतलब हवा भी प्रेशर डालती है। अभी इसके लिए आप जो है और एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। एक और एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हम ग्लास के ऊपर, ग्लास को जो है पूरा फिल कर देते हैं, उसके बाद में उसके ऊपर हम रखते हैं लिड को, उसके बाद में उसे उल्टा कर देते हैं, तो आप देखोगे कि वो नीचे गिरेगा नहीं, अगर आपने देखा हो तो इसका मतलब है कि हवा जो है वहां पर प्रेशर लगाती है। चलिए, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो अभी हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। इट इज ड्यू टू द प्रेशर दैट द लीव्स ऑफ ट्रीज, बैनर्स, फ्लैग फ्लटर व्हेन द विंड इज ब्लोइंग, ठीक है। तो यही रीजन है कि जो पत्ते होते हैं वो गिरते हुए ऐसे से जाते हैं, या फिर जो हमारा जो फ्लैग होता है वो इस तरीके से उड़ता है, क्योंकि हवा जो है वो चल रही होती है। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई द बॉटल और कैन गेट्स डिस्टॉर्टेड। अब ये रीजन बता रहा है कि ये जो कैन की ऐसी शेप हुई है ये क्यों हुई है। एज वॉटर इज पोर्ड ओवर द कैन, सम स्टीम इन द कैन कैन कंडेंसेस इन टू वॉटर, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इन साइड। दिस प्रेशर ऑफ एयर इन साइड द कैन डिक्रीज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर आफ्टर वॉटर, ठीक है। आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, मैं इसको बता देती हूँ उसने क्या बोला है। देखो, जब हम कैन के अंदर पानी ले रहे थे, पानी लेने के बाद मैंने उसको गर्म करना शुरू करा, गर्म किया, वाटर वेपर्स बने। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे ही मैंने ठंडा पानी उसके ऊपर डाला ना, तो ठंडा पानी डालने पर जो मेरे उसके ऊपर वाटर वेपर्स थे वो कंडेंस होने शुरू हो गए। अब क्योंकि वो मेरे कंडेंस हो गए, तो इसका मतलब वहां पर अमाउंट ऑफ एयर जो है, जो एयर मेरी पहले थी वो क्या थी, ज्यादा थी, लेकिन अब जो मेरी एयर होगी वो कम होगी, तो वो कम प्रेशर एग्जर्ट करेगी। जितनी ज्यादा गैस होगी उतना ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगी, जितनी कम होगी उतना कम प्रेशर वो लगाएगी। तो अंदर वाला जो मेरा टिन के अंदर का जो प्रेशर है ना वो कम है बाहर वाले से, तो जब बाहर ज्यादा प्रेशर है तो वो उसको पिचका देगा। तो अंदर कम प्रेशर होने की वजह से, कम प्रेशर बनने की वजह से, क्योंकि जो मेरा वाटर है, जो मेरी स्टीम है, वो तो कंडेंस हो गई पानी की फॉर्म में, ठीक है ना, क्योंकि मैंने ठंडा पानी डाल दिया ना, ठंडा पानी डालने से कंडेंस हुआ, ठीक है। जो मेरी एयर थी वो अंदर कम हो गई, बाहर का जो प्रेशर था वो तब भी ज्यादा ही था, तो बाहर का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो अंदर वाली जो मेरी हवा होगी उसके ऊपर दबाव डालेगा, प्रेशर डालेगा, तो वो हाई से उसको पिचका देगा, ठीक है। सो हाई प्रेशर इज आउटसाइड, लो प्रेशर इज इन साइड द कैन, सो दिस विल प्रेस इट, मतलब सप्रेस कर देगा इसको, दबा देगा, ठीक है। तो इसीलिए जो कैन है वो मेरी पिचक जाएगी एकदम, तो बस यही रीजन था इसका, ठीक है। इसके बाद में देखो एक और एक्टिविटी है हमारे पास में, हाई स्पीड विंड्स आर एकम्पनीड बाय लो रिड्यूस्ड प्रेशर। अब यहाँ से हमारे पास में एक मेन चीज आती है। देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि एक हमने पेपर का पीस लिया, उसको हमने ऐसे इस तरीके से कर दिया, और एक खाली बोतल हमने इसके अंदर ली है, उसके बिल्कुल कॉर्नर पे मैंने उसको रख दिया, बिल्कुल जो मेरा माउथ का जो कॉर्नर होता है ना उस पे मैंने उसको रख दिया। अब यहाँ से हम उसको क्या करेंगे, अब उसके ऊपर हम जो है फूंक मारेंगे, मुंह से हम उसमें फूंक मारेंगे बोतल के अंदर। तो अब आप देखोगे जो आपका जो वो पेपर का जो पीस होगा वो उस बोतल के अंदर जाएगा ही नहीं, वो वहीं पर ही रहेगा, वो जाएगा ही नहीं इसके अंदर। तो अब आप सोच सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, यहाँ पर बस इतना ही लिखा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं सीधा, पहेली एंड बूझो आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इन टू द बॉटल। अब पेपर बॉल को उस बॉटल के अंदर फूंक मार के हमें भेजने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, वो तो आसानी से चले जाना चाहिए था। देखो यहाँ पे एक और एक्टिविटी है इसी तरीके से, रीजन सेम ही है, ठीक है, इसलिए साथ में दे दी एक्टिविटी, तो रीजन इनका सेम ही है। अभी मैं बता देती हूँ क्या रीजन है। देखो हमने जो है अब दो बैलून्स लिए हैं इस तरीके से, दोनों बैलून्स लिए मैंने, लगभग सेम ही साइज के ले लिए, उनको सेम ही साइज में फुला लेंगे, तो दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी लिया, उनको बराबर साइज में जो है हमने इस तरीके से फुला लिया है, ठीक है। अब उनको फुला लिया है, उसके बाद में एक ऐसे कुछ भी आप ले सकते हो जिसमें इनको हैंग करना पड़ेगा, और इन दोनों को आपको ऐसे टांग देना है बराबर डिस्टेंस में, बीच में इसको ऐसे टांग देना है। अब इसको पकड़ो, दोनों बैलून्स मेरे यहाँ पर टंगे हुए हैं, ठीक है। अब बीच में से जब हम इसमें फूंक मारेंगे तो फूंक मारने से क्या होगा, ये दोनों बैलून्स इस तरीके से पास में आने लग जाएंगे। तो दोनों बैलून्स पहले ऐसे लटके हुए थे, अब वो दोनों कैसे आएंगे, इस तरीके से, जैसे आप फूंक मारोगे उन दोनों के बीच में तो वो इस तरीके से पास आएंगे।
ठीक है, यहाँ पर यही चीज लिखी हुई है, आप चाहे तो इंग्लिश में अपनी बुक खोल के इसको पढ़ सकते हैं। अब देखो तीसरी एक्टिविटी, सेम रीजन है इसीलिए साथ में दी हुई है एक्टिविटी, मैं साथ ही साथ डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट, क्या आप फूक मार के किसी चीज को ऐसे उठा सकते हो? फूक मारने से उठाना है, ठीक है। तो इसने कहा है कि 20 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर चौड़ा एक जो पेपर का स्ट्रिप होता है उसको ले लो, मुंह के अंदर उसको डालना है, उसके बाद में उस पर फूक मारनी है, सिंपल। अब उस पर जब फूक मारेंगे तो आप देखोगे जो पेपर है ना वो ऐसे उठ जाएगा ऊपर की तरफ। ऐसा ही जो है एक बच्चों का खिलौना भी आता है, उसमें ऐसे कुछ अजीब सा कुछ होता है ऐसे गोल गोल, उसमें फूक मारते हैं तो वो एकदम ऐसे खुल जाता है, दैट इज ड्यू टू द एयर, ठीक है। ये इसी चीज के बेसिस पे है। सो पहली थिंग्स की स्ट्रिप जो है वो ऊपर उठ जाएगी, बूजो सोचता है कि स्ट्रिप जो है वो नीचे की तरफ मुड़ जाएगी। देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर देखो इनकी फोटो भी दिखा रखी है, यहाँ पर इन्होंने स्ट्रिप ली है, उसके बाद में देखो पेपर इस तरीके से उठ गया है ऊपर की तरफ, पेपर जो है इस तरीके से ऊपर की तरफ उठ गया है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या होगा? अब देखो ये तीनों ही एक्टिविटीज मैंने आपको बताई क्या हो रहा है एक्टिविटी के अंदर, अब देखते हैं इनमें क्या हो रहा है असल में। वर द ऑब्जर्वेशन अलॉन्ग द लाइन्स यू थॉट, जैसा कि आपने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हो रहा है क्या? डिड यू गेट द फीलिंग दैट द इंक्रीज विंड स्पीड इज अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर? ठीक है, सो इसको डिस्कस करते हैं। वेन वी ब्लो इन टू द माउथ ऑफ द बॉटल, अब जो बॉटल वाला एक्सपेरिमेंट है उसकी एक्सप्लेनेशन सुनो। जो बॉटल है उसको हमने लिया, उसमें हमने जो है पेपर डाल दिया, अब बाहर से हम जो है उसके अंदर क्या मार रहे हैं? हवा, ठीक है। हवा जब उसके ऊपर छोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, वहां पर एक हाई स्पीड बन रही है, तो यानी कि हवा की रफ्तार हम जो मुंह से निकाल रहे हैं वो ज्यादा है, ठीक है। हवा की रफ्तार जब हम फूंक मारेंगे तो वो ज्यादा होगी, तो जहां पर हाई स्पीड है वहां पर लो प्रेशर बनता है, लो एरिया का प्रेशर होता है वो। तो हवा ज्यादा कहाँ थी? उस बॉटल के कैप पे, यानी कि उसके माउथ पे, तो वहां हाई स्पीड क्योंकि फूंक मार रहे हैं तो वहां पे लो प्रेशर का एरिया। अब इसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्लो इन टू द माउथ ऑफ द बॉटल, ब्लो किया, एयर नियर द माउथ हैज हाई स्पीड, स्पीड ज्यादा होगी क्योंकि ब्लो कर रहे हैं हम, द एयर प्रेशर इन साइड द बॉटल इज हायर देन नियर द माउथ। देखो आपको सीधी सी चीज क्या याद रखनी है, जहां पर स्पीड ज्यादा है वहां पर लो प्रेशर का एरिया है, जहां पर लो प्रेशर का एरिया है उसका मतलब उसके जो अंदर वाला एरिया था, जो बॉटल के अंदर वाला एरिया है वो कैसा है? हाई प्रेशर का एरिया है, तो हाई प्रेशर वाला ही तो लो के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो हाई प्रेशर से कहाँ जाएगा वो? लो की तरफ, ठीक है। सो मूवमेंट विल बी फ्रॉम हाई टू लो, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है मूवमेंट रहेगी, इसीलिए जो अंदर वाली जो हवा होगी ना, क्योंकि वो हाई प्रेशर की है, वो बाहर वाली को उस तरफ ढकेलेगी, ठीक है, लो प्रेशर की तरफ। इसीलिए जो लो प्रेशर की तरफ में जो मेरी वो बॉल होगी ना, जो पेपर का जो पीस होगा वो अंदर तो जाएगा ही नहीं, वो सीधा बाहर की तरफ ही रहेगा, क्योंकि हाई प्रेशर से फोर्स लग रहा है लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। द एयर प्रेशर इन साइड द बॉटल इज हायर देन नियर द माउथ, क्योंकि बाहर स्पीड ज्यादा है लो प्रेशर एरिया, अंदर स्पीड है नहीं तो हाई प्रेशर एरिया, हाई टू लो फोर्स लगेगा तो वो बाहर ही रहेगा। द एयर इन साइड द बॉटल पुशेज द बॉल आउट, जैसा मैंने बोला, ठीक है, उसको बाहर की तरफ ही वो पुश करेगा। सिंपल सी चीज याद रखनी है, स्पीड ज्यादा है तो लो प्रेशर एरिया है, ऑपोजिट साइड में क्या होगा? हाई प्रेशर एरिया, तो फोर्स किधर लगेगी मेरी? हाई से लो की तरफ लगेगी, तो एयर जो मेरा प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो हाई टू लो करेगा, ठीक है। अब देखते हैं बॉल वाला, यहाँ पर जो है आप देखोगे बॉल बलून वाले में, सॉरी बलून वाले के अंदर दोनों बलून्स जो है वो एयर ब्लो करने के बाद एक दूसरे की तरफ आएंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है? सेम चीज अप्लाई करनी है, सेम कॉन्सेप्ट एकदम, जहां पर हम ब्लो कर रहे हैं वहां पे स्पीड जो है वो एयर की ज्यादा है, ठीक है। यहीं पर लिखा हुआ होगा, यहीं पर लिखा हुआ होगा द प्रेशर आउटसाइड द बलून वुड देन पुश, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एयर की जो स्पीड है वो ज्यादा होगी क्योंकि हम ब्लो कर रहे हैं, वहां पर लो प्रेशर एरिया बनेगा। तो सपोज करो मेरे दोनों बलून्स ये रहे, एक बलून यहाँ पर है, एक बलून यहाँ पर है, मैंने फूंक मारी, बीच में लो प्रेशर का एरिया बना, तो यानी कि इस तरफ क्या होगा? हाई प्रेशर का एरिया। सो हाई टू लो मूव करेंगे तो यानी दोनों बलून्स इस तरफ ही जाएंगे, सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप जो है इंग्लिश के अंदर यही चीज लिखी हुई है, दिस कुड हैपन इफ द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बलून्स इज समहाउ रिड्यूस्ड, ऐसा कब हो सकता है? जब दोनों बैलून्स के बीच का प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि हम जो है ब्लो कर रहे हैं स्पीड ज्यादा, लो प्रेशर एरिया, तो प्रेशर कम हो गया, रिड्यूस हो गया, सो हाई टू लो जाएगा, सो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी एयर, तो इसीलिए वो इनको इस तरफ पुश करेगी, ठीक है। तो ये एक दूसरे के पास आएंगे। एक्टिविटी 8.1 के अंदर जो हमारी पेपर स्ट्रिप वाली जो एक्टिविटी है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है पेपर स्ट्रिप जो आपने ली है उसके अंदर आप एयर ब्लो कर रहे हो, वहां पर हाई हमारी जो है एयर की स्पीड है, ठीक है, विंड स्पीड हमारी हाई है, लेकिन लो प्रेशर का एरिया बन रहा है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये कब हो सकता है कि हमारी जो स्ट्रिप है वो ऊपर की तरफ उठ जाए, ये तब हो सकता है जब हमारा रिड्यूस प्रेशर जो है, जो कि हमारा कम प्रेशर लग रहा है, वो उस स्ट्रिप के ऊपर की तरफ होगा। तो ऊपर हमारा लो प्रेशर होगा, नीचे हाई प्रेशर होगा, तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, सो हाई टू लो प्रेशर की तरफ जो है हमारी एयर मूव करेगी, तो इसीलिए वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। सिंपल, दिस इज द रीजन। तो यहाँ से हमें एक चीज पता लगती है, इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज एकम्पनेड बाय अ रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। सो यानी कि रिलेशन किन दोनों के बीच में है, एक तो मेरा विंड स्पीड का रिलेशन है और किसके साथ में है, रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। सिंपल सी चीज है जो मैंने अभी बताई है, जहां पर ज्यादा विंड स्पीड है वहां पर लो प्रेशर एरिया, ठीक, और उसी चीज के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। अब देखो यहां पर लिखा है, कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ हाई स्पीड विंड्स ब्लू ओवर द रूफ ऑफ। अब सेम चीज है यहाँ पर जो है, आपने कभी कोई वीडियो वगैरह देखी हो जिसमें साइक्लोन, टोर्नेडो ये सब चीजें होती हैं, तो उसके अंदर दिखाया हुआ होता है कि घरों की जो छत होती है वो उड़ जाती है पूरी, तो घर की छत ऐसे उड़ती है और चली जाती है बस, ठीक है। तो वो किस वजह से होता है, वो भी ऐसे ही हो सकता है, दे कुड बी लिफ्टेड एंड ब्लोन अवे इफ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस। ओके, सो ये वाली चीज कब हो सकती है, जब हमारा ऊपर लो प्रेशर एरिया होगा, सो हाई से लो की तरफ जाएगा ना, वही चीज है, जैसे हमारा पेपर ऊपर की तरफ उठ गया तो वो रूफ भी ऊपर की तरफ उठ जाएगी, तो अगर रूफ जो हमारी ज्यादा वीक होगी तो वो आराम से चली जाएगी इतनी हवा के साथ में, तो ऊपर हवा जो है ज्यादा चल रही है, ठीक है, ये घर बना हुआ है, घर के ऊपर बहुत तेज तेज हवा चल रही है, तो इतनी तेज जो हमारी विंड स्पीड है वहां पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट करके नीचे हाई प्रेशर एरिया है, सो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जो है वो फोर्स लगेगी, तो वो ऊपर की तरफ उड़ के चली जाएगी, ठीक है। इस तरीके से जो हमारी रूफ है ना वो उड़ जाती है घरों की, जब भी साइक्लोन वगैरह आता है तो इस तरीके से हो जाता है। सो अब यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं, यू नो दैट व्हेन एयर मूव्स इट इज कॉल्ड विंड, एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर एयर प्रेशर इज लो, ठीक है। जैसा मैंने बताया है, हाई एयर प्रेशर जहां पर होगा वहां से वो लो प्रेशर की तरफ जो है वो मूव करेगी, ठीक है। सो मेरी एक ऐसी जगह है जहां पे हाई प्रेशर है और एक ऐसी जगह है जहां पे लो प्रेशर है, तो हवा किधर जाएगी, हवा का प्रेशर किस तरफ होगा, हाई से लो की तरफ, ठीक है, हाई से लो की तरफ जाएगा। अब जितना ज्यादा डिफरेंस होगा प्रेशर के अंदर, उतना ही ज्यादा मेरी एयर जो है जल्दी जल्दी मूव करेगी, जितना ज्यादा इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा ना, उतनी जल्दी जल्दी हवा मेरी उस तरफ बहना शुरू करेगी, जितना कम डिफरेंस होगा उतनी कम वो फोर्स लगाएगी, उतनी धीरे वो बहेगी हवा, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है, एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या है मैं वो बता देती हूँ। एक्सपेरिमेंट के अंदर ये है कि हमने एक बॉइलिंग ट्यूब ली है, बॉइलिंग ट्यूब थोड़ी चौड़ी होती है टेस्ट ट्यूब से, ठीक है। बॉइलिंग ट्यूब के अंदर बिल्कुल टाइटली हमने एक जो है बैलून जो होता है गुब्बारे को बिल्कुल फिट करके लगा दिया है, ठीक है, उसके माउथ पे बिल्कुल उल्टा करके ऐसे लगा दिया, टाइट नहीं है तो उसको टाइट करके लगा देंगे। अब क्या करना है, एक बीकर लेना है, बीकर के अंदर हमने थोड़ा पानी लिया, उसको हमें गर्म कर देना है, जो पानी है उसको हमें गर्म कर लेना है और उसके अंदर हम डाल देंगे क्या, हमारी जो बॉइलिंग ट्यूब है उसको। तो पहले अगर आप देखोगे जो यहाँ पर हमें पहला डायग्राम दे रखा है, बैलून टाइड ओवर द नेक ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। अब जब सिर्फ मैंने उसको ऐसे रखा हुआ है तो वो सिर्फ देखो कैसे पिचका हुआ है जो बैलून है ना, लेकिन कुछ टाइम बाद जब आप इसको देखोगे तो वो आपको बैलून ना ऐसे पिचका हुआ नहीं दिखेगा, वो थोड़ा सा फूल चुका होगा जैसे कि हमें सेकेंड फिगर के अंदर दिख रहा है, और उसके बाद में आप फिर से उसको ठंडे पानी में डाल दोगे तो वो फिर से ऐसे पिचक जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो हवा थी, जो मेरी उस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर जो हवा थी ना, वो गर्म हुई और उसने प्रेशर एग्जर्ट किया जिसकी वजह से वो फूल गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, एयर जो है एक्सपेंड होती है हीट करने पे, ठीक है। देखो ये वाली जो ऊपर लाइंस लिखी है सारी यही है जो मैंने भी एक्सप्लेन की है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कैन बी इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। सो
सो पहली चीज से तो हमें ये पता चल रहा है कि भाई एयर जो है वो हीट होने पे एक्सपैंड होती है, तो इससे हमें ये चीज पता चलती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट एक्टिविटी है, जैसे ही हमने हीट करा ना इसको एयर को, तो वो एक्सपैंड होगी। जैसे मैं आपको उठा के किसी तवे पे रख दूं, गरम गरम तवे पे मैं रख दूं, तो आप उछलना शुरू हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको गर्मी लग रही है नीचे से, तो आप क्या चाहोगे, उससे बाहर निकलना चाहोगे। ठीक है, ऐसे आपकी एनर्जी बढ़ेगी ना, और जैसे ही मैं आपको फिर उसमें ठंडे उसमें डाल दूं, तो आप फिर से शांत हो जाओगे, क्योंकि आपके अपने एनवायरमेंट में आ जाओगे। अब देखो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम चीज़ हो रही है हवा के साथ में। जैसे ही वो हमने नॉर्मल उसके अंदर रखी हुई थी सोल्यूशन के अंदर, तो कुछ नहीं था, लेकिन जैसे मैंने उसको गर्म पानी के अंदर रखा, अब बॉइलिंग ट्यूब के अंदर तो खाली है ना, हवा है, हवा गर्म होगी गर्म पानी की वजह से। हवा गर्म होगी तो उसकी एनर्जी जो है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, तो हवा गर्म होने से एक्सपैंड होगी, एक्सपैंड होगी तो वो ज्यादा जगह को ऑक्यूपाई करना चाहेगी। ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कैसे करेगी, उस बैलून को फुला के, तो इसलिए वो बैलून फूल जाएगा। सिंपल सा यही लॉजिक है यहाँ पर। इसके बाद में ठंडे में डालोगे तो वो फिर से ऐसी मुरझा जाएगा। अब देखो नेक्स्ट एक्टिविटी है, यहाँ पर क्या करना है, ये इस एक्टिविटी के अंदर दो पेपर बैग लिए हैं, या फिर कुछ भी ले लो, ठीक है, एम्प्टी पेपर कप्स, पेपर बैग्स, एनीथिंग, ठीक है, जो भी है। अब इसके बाद में देखो दो पेपर बैग लिए हैं, एक पेपर बैग को उल्टा किया, इस वाले पेपर बैग को भी उल्टा कर दिया, दोनों को उल्टा कर दिया, दोनों के मुंह नीचे की तरफ है, खुला हुआ जो फेस है उन दोनों का नीचे की तरफ है। ठीक है, दोनों को है हमने डिस्टेंस पे एक बांध दिया है, दोनों का जो बीच वाला पॉइंट है वहां से हमने एक चीज को बांध दिया है इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें देखो इनका जो जो बेसिकली जो स्ट्रक्चर बना वो कैसा बना, जैसे तराजू का होता है ना, तराजू को यूं बीच में से पकड़ते हैं, एक इस तरफ होता है और एक इस तरफ होता है, ये उठेगा तो ये नीचे, ये उठेगा तो ये नीचे। अब देखो बेसिकली इसका बिल्कुल तराजू जैसा दिख रहा है ये। देखो अब इसके बाद में इसने क्या किया है, इसने एक जो मेरा ये क्या है पेपर बैग है, इसके नीचे इसने मोमबत्ती लगा दी। अब मोमबत्ती लगाने से क्या होगा, जो हवा होगी मोमबत्ती के ऊपर वो गर्म होगी। अब गर्म हवा जब हुई तो वो वाला मेरा पेपर बैग कुछ उठ गया, तो जब वो उठ गया ये वाला नीचे आ गया। अब वो उठा क्यों है, इसका मतलब क्या है कि गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ जाती है, जबकि ठंडी हवा जो होगी वो नीचे की तरफ आएगी। सो बेसिकली यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे आप ये इंग्लिश में पढ़ सकते हो, जो मैंने बताया ना वही सब चीजें इसमें लिखी हुई हैं। यहाँ से जो मेन मेन पॉइंट है मैं आपको वो पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो ऑल्सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑन हीटिंग द एयर एक्सपैंड्स एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। जैसा मैंने बताया, अगर हवा जो है वो गर्म होगी तो उसको ज्यादा स्पेस चाहिए, ठीक है, तो एयर जो गर्म होगी वो एक्सपैंड होगी, तो इसलिए वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहेगी। ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कैसे करेगी, उस बैलून को फुला के, तो इसलिए वो बैलून फूल जाएगा। यहाँ पर सेम चीज है, द सेम थिंग, ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। अब जो गर्म हवा होगी, हवा तो यहाँ पर भी गर्म हो रही है, वहां पर भी गर्म हुई थी, वहां पर हमने उसको गर्म पानी में रखा था, यहाँ पर हम इसको रख रहे हैं इस कैंडल के ऊपर, तो यहाँ पर भी जो मेरी हवा होगी वो गर्म होगी। गर्म होने की वजह से वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहेगी, तो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी किस तरीके से, हल्के होके। ज्यादा स्पेस होगा कब, जब वो हल्की होगी, ठीक है। सो सेम थिंग अप्लाइज ऑन दिस, ये जो हमारी गर्म हवा है ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो अगर देखो मेरी हवा ना इतनी सी जगह में है, उतनी ही हवा है मेरी, इतनी सी जगह में मैंने कर रखी है, तो उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो असल में वो बहुत भारी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसमें मास ज्यादा है। बहुत कम जगह में मैंने उसको इतना सा सिकुड़ के कर दिया ना, तो वो उसका मेरा डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। और अगर मेरी इतनी ही हवा है और मैंने उसको फैला के इतनी जगह में कर दिया है, तो जैसे मैंने उसको फैला दिया इतनी सारी जगह में, तो वो बहुत हल्की हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से इस केस के अंदर भी जो मेरी गर्म हवा थी उसको गर्म करने से वो फैल गई, जब वो फैल गई तो वो इतनी ज्यादा हल्की हो गई कि वो ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो गई। बस यही लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। द वॉर्म एयर इज देयरफॉर लाइटर देन कोल्ड एयर। और ये चीज ना आप देख सकते हो अपने घर के अंदर, आप फ्रिज खोलोगे, नहीं फ्रीजर खोलोगे, फ्रीजर खोलोगे तो उसमें से देखोगे ठंडी ठंडी हवा निकलती है, लेकिन वो ऊपर जा रही होती है कि नीचे जा रही होती है, कभी देखना उसको खोल के। उसको खोलते ही हवा ना ऐसे नीचे की तरफ बहेगी, ऐसे ऐसे बहेगी तुम्हारी तरफ, तो हवा एकदम से नीचे की तरफ बहती है, क्योंकि ठंडी हवा जो होती है वो भारी होती है, जबकि गर्म हवा हल्की होती है। तो गर्म हवा होने की वजह से उसमें ज्यादा ऑक्यूपाई हो जाता है स्पेस, हल्की हो जाती है तो वो ऊपर उठ जाती है। इसी का उल्टा होता है हमारी ठंडी हवा में, ठंडी हवा जो होती है वो भारी होती है, इसीलिए वो नीचे की तरफ आ रही होती है। जैसे ही आप फ्रीजर खोलते हो तो आपको यही नजारा दिखता है, ठीक है, यही इस एक्सपेरिमेंट के अंदर था।
यहाँ से हमारी एक नई चीज आती है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है. इन नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशंस वेयर वार्म एयर राइजेस एट अ प्लेस, द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज लोअर, द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एयर इज एक्सेप्टेड. ठीक है, ठीक है. ये चीज जो है आप चैप्टर 4 में पढ़ चुके होंगे, हीट चैप्टर के अंदर है ये चीज कि जो हमारी गर्म हवा होती है. अब देखो यहाँ पर अगर मैं हीटर लगा दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो है हवा गर्म होने लग जाएगी. हवा गर्म होगी क्योंकि वो ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी. अब सिंपल सी चीज आपको ये ध्यान रखनी है, हवा गर्म हो रही है तो वो ऊपर जाएगी, ठंडी होगी तो नीचे आएगी. तो गर्म हवा हुई तो वो ऊपर जाएगी. जब हवा मेरी ऊपर चली जाएगी तो उस जगह को फिलअप करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो जगह तो खाली होती जाएगी ना, गर्म हवा तो जा रही है, तो उसकी जगह को भरने के लिए अब ठंडी जगह, ठंडी हवा जो होती है वो आती है. सो कूल एयर जो होगी वो उस गर्म हवा की जगह पर आ जाती है. सो इसीलिए जो है ना हम पढ़ते हैं क्या, कन्वेक्शन इन एयर. द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग, हमारी आसपास की जो ये जगह है यहाँ से कोल्ड एयर जो है उसकी जगह पर आनी शुरू हो जाती है, जहां से मेरी गर्म हवा ऊपर की तरफ बढ़ती है. सो दिस सेट्स अप कन्वेक्शन इन एयर. अब इसी वजह से हम जो है कन्वेक्शन पढ़ते हैं. सो कन्वेक्शन बेसिकली यहाँ पे दो सिचुएशन के बारे में बता रहा है, ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ. अब अर्थ पे हर जगह पर बराबर हीटिंग नहीं होती है. एक तो हमारी अर्थ जो है ना वो इस तरीके से रिवोल्यूट भी कर रही है और अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट भी कर रही है, ठीक है. और एक तो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है. चलिए इसके अंदर बता देते हैं इस चीज को. पहली सिचुएशन है मेरी अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स, ठीक है. तो हर जगह पर जो है ना अर्थ पे बराबर हीटिंग नहीं होती है कि हीट आ रही है तो यहाँ भी उतनी होगी और इक्वेटर पे भी उतनी होगी और नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे, सब जगह पे बराबर नहीं होती है. सब जगह पे अलग अलग टाइप की होती है. यू माइट हैव लर्नड इन ज्योग्राफी दैट रीजन्स क्लोज टू इक्वेटर, वहां पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है. ये तो हमें पता ही है भाई, इक्वेटर जो रीजन होता है अर्थ का, वहां पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम हीट जो आती है सन से वो वहीं पर ही आती है, हमें पता है ये चीज. द एयर इन दिस रीजन गेट्स वार्म. अब जहाँ पे जितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज्यादा गर्मी की वजह से वहां की हवा उतनी ही ज्यादा गर्म हो जाएगी. गर्म होगी तो मतलब वो जल्दी जल्दी ऊपर जाएगी, क्योंकि गर्म हवा है, गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है तो वो उतनी जल्दी ऊपर जाएगी. द वार्म एयर राइजेस, और जो ठंडी हवा होगी वो उसकी जगह लेने के लिए फटाफट फटाफट आएगी, ठीक है, तो जल्दी जल्दी वो आएगी. चलिए यहाँ पर देखते हैं. दो दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ टूवर्ड्स द इक्वेटर. अब जब मेरी इक्वेटर पर ज़्यादा गर्मी है, ठीक, और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है इन दोनों पोल्स पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, ठीक. सो इसका मतलब नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है इन दोनों की हवा को मैं बोल सकती हूँ कि वो बेसिकली ठंडी है उस वाली से, तो जो इक्वेटर पर है. सो यानी कि ठंडी हवा मेरी कहाँ से आएगी, अब नॉर्थ और साउथ पोल से, इक्वेटर की तरफ, क्योंकि इक्वेटर की गर्म तो वो ऊपर बढ़ गई. उसकी जगह लेने के लिए कौन सी आएगी, नॉर्थ पोल से हवा और साउथ पोल की तरफ से हवा, ठीक. सो दीज विंड ब्लो फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ टूवर्ड्स द इक्वेटर. सो नॉर्थ पोल की तरफ से भी हवा आएगी ठंडी वाली, साउथ पोल की तरफ से भी हवा आएगी ठंडी वाली, क्योंकि जो इक्वेटर पे गर्म हवा थी वो उड़ चुकी है ऊपर की तरफ. अब देखो एट द पोल्स द एयर इज कोल्डर एंड, ठीक है, वही चीज है, जो पोल्स की तरफ होगी वो हवा ठंडी होगी क्योंकि इक्वेटर पे ज्यादा गर्मी पड़ रही है. द वार्म एयर एट दिस लैटिट्यूड्स राइज अप एंड कूल, ठीक है, यही चीज है, जो सेम चीज मैंने बोली, इक्वेटर वाली ऊपर जाएगी, कोल्ड वाली जो पोल्स की तरफ होगी वो उसकी जगह लेने के लिए फटाफट भाग के आएंगी. अब देखो इन दिस वे विंड सर्कुलेशन इज सेट अप फ्रॉम पोल्स, इसी चीज की वजह से, सिंपल सी चीज है भाई, पोल की तरफ से हवा इक्वेटर की तरफ आ रही है. सो विंड की डायरेक्शन मेरी कहाँ होंगी, विंड की डायरेक्शन मेरी होंगी नॉर्थ से इक्वेटर की तरफ और साउथ से भी इक्वेटर की तरफ. ये देखो डायग्राम के अंदर, नॉर्थ पोल से भी इक्वेटर की तरफ जा रही है, ठीक है, और साउथ पोल की तरफ से भी इक्वेटर की तरफ ही वो जा रही है. अब देखो यहाँ पर ये पहेली सोच रही है, आई वंडर व्हाई द विंड्स शोन इन द फिगर आर नॉट इन द एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. अब वो कह रही है कि भाई ये जो मेरी विंड्स इसके अंदर दिखा रखी है ना, विंड्स की जो मूवमेंट है ये एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ क्यों नहीं है. सो बेसिकली अर्थ जो है, मैंने अभी बताया कि अर्थ जो है रोटेट भी करती है, सो रोटेशन का भी इसके अंदर फैक्टर आ जाता है. यहाँ पर लिखा हुआ है वही सेम चीज है, अ चेंज इन डायरेक्शन इज हाउ एवर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ.
सिर्फ हम एक ही चीज को नहीं देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। सो उनमें से एक ही चीज है रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ जो है वो रोटेट भी तो कर रही है, तो उसका भी तो इफेक्ट पड़ेगा ना, विंड की जो मूवमेंट है उस पे। तो ये हमारी बात थी पोल्स की और इक्वेटर की। सो सिंपल सी चीज इसके अंदर याद रखेंगे कि इक्वेटर पे ज्यादा गर्मी पड़ती है, हवा गर्म हो जाएगी, हवा ऊपर की तरफ उड़ जाएगी। जब वो हवा मेरी वहां से चली गई है, उसकी जगह लेने के लिए साइड पोल से जो होंगी, नॉर्थ और साउथ, इन दोनों ही पोल से ठंडी हवा जगह लेने के लिए आएगी। तो इस तरीके का आपको जो है यहाँ पर विंड्स दिखेंगी। सेकेंड चीज हमारे पास में आती है लैंड और सी, यानी इस लैंड और वाटर की जो है अनइवन हीटिंग होती है। तो अब इसके अंदर क्या होता है, गर्मियों में हमारे जो लैंड है वो ज्यादा गर्म होती है, जल्दी जल्दी गर्म होगी, तो जो हमारी लैंड होती है, जो हमारी जमीन है, उसके ऊपर जो हवा होगी वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, ठीक है ना? क्योंकि जो मेरी जमीन होती है वो गर्मियों के अंदर ज्यादा गर्म होगी, तो उसके ऊपर जो हवा होगी, क्योंकि वो गर्म हो गई है, विल राइज अप, राइज होके वो ऊपर जाएगी। अब उसकी जगह लेने के लिए कहीं ना कहीं से वो ठंडी हवा भी आएगी। तो ठंडी हवा आप कहाँ से आएगी? ठंडी हवा आएगी हमारी ओशियंस की तरफ से, यानी पानी की तरफ से। सो पानी के ऊपर की जो हवा होगी वो इतनी गर्म नहीं होगी। सो उस तरफ से हवाएं आनी स्टार्ट होंगी उसकी जगह को फिल अप करने के लिए। तो यही हमारा केस होता है समर्स के अंदर। बिल्कुल इसी का उल्टा केस होता है विंटर्स के अंदर। विंटर्स के अंदर हमारी मूवमेंट कहाँ होगी विंड की? विंड की मूवमेंट होगी हमारी लैंड की जो एयर है वहां से सी वाटर की तरफ, यानी ओशियन की तरफ, या किसी भी तरफ कह सकते हो। सो बेसिकली लैंड से वाटर की तरफ जो है विंड की मूवमेंट होगी। यहाँ पर लिख रखा है वर्ड जो मॉनसून है, ये अरेबिक वर्ड से आया है जो कि मेरा मौसम है, विच मीन्स सीजन। वी नो दैट इन वाटर द डायरेक्शन, इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लोस रिवर्स्ड इन फ्लो फ्रॉम द लैंड टू द ओशन, ठीक है? सेम वही चीज है जो मैंने बताई है। समर्स के अंदर क्या होगा, जो हमारा वाटर है उससे लैंड की तरफ मूवमेंट होगी विंड की, और विंटर्स के अंदर हमारी लैंड टू सी होगी मूवमेंट। सो व्हाट डू दिस विंड डू फॉर अस? अब जब मेरी गर्मियों में जब मेरी गर्म हवा ऊपर उड़ जाएगी, तो हमारा जो वाटर होगा, जो ओशियंस होंगे या फिर जो भी सीज होंगे, उनकी तरफ से हवा जो है वो लेकर आएंगे। सो वाटर वेपर्स बेसिकली उनके साथ में आएंगे, उनकी वजह से बारिश होगी। सो बारिश तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमें पता है। सो बेसिकली दे कैरी वाटर एंड इट रेन्स, यस। सो हमारे जो फार्मर्स होते हैं उनको भी जरूरत होती है, बहुत सारे फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड विद क्लाउड्स एंड रेन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो ये भी चीज़ हमारी एक लिमिट के अंदर होनी चाहिए। अगर ज़्यादा बारिश पड़ जाएगी तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक आपदा बन जाएगी, ठीक है? तो ज़्यादा बारिश भी नहीं होनी चाहिए, और कहीं पर अगर कम बारिश हो जाती है, कहीं पर सूखा पड़ जाता है, सो वो भी हमारे लिए एक मुसीबत है, ठीक है? अभी देखो, ठीक है, इसको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, हाँ ये चीज़ भी इसने लिखी हुई है, इट इज़ नॉट ऑलवेज अ हैप्पी एंडिंग, क्रिएट सम प्रॉब्लम्स, ठीक है? यू कैन डिस्कस दी कॉज एंड इन नेचर इट्स सेल्फ देयर आर सर्टेन सिचुएशन दैट समटाइम्स क्रिएट डिजास्टर्स एंड पोज थ्रेट टू ह्यूमन्स, ठीक है? सो ऐसा भी होता है जब हमारे पास में क्या होती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे हम प्लांट लाइफ को, एनिमल्स को, ह्यूमन्स को, सभी चीज़ों को जो है खतरा होता है। ऐसी दो सिचुएशन के बारे में ये बात कर रहा है, एक जो है वो हमारा थंडर स्टॉर्म है और दूसरा है साइक्लोन, ठीक है? देखो ये डायग्राम देख रहे हो इस तरीके से जो बन रखे हैं ये, ठीक है? तो इन फोटो के अंदर ये क्या बताना चाह रहा है, इन फोटो के अंदर ना दो तरह की मूवमेंट है, एक बार एरो ऐसे ऐसे जा रहा है और एक बार एरो ऐसे ऐसे जा रहा है। तो यानी एक बार एरो इस तरफ और एक बार एरो इस तरफ, ये वही चीज बता रहा है जो मैंने समर और विंटर के लिए बताई थी। देखो फिगर 8.9 के अंदर ये कह रहा है लैंड और वाटर की जो है अनइवन हीटिंग होगी। सो समर के अंदर ये कह रहा है कि राजस्थान जो डेजर्ट है, राजस्थान डेजर्ट जो होगा भाई पता ही है, वो तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। अगर समर के अंदर बात करें तो समर के अंदर वो इतना ज्यादा तप जाएगा कि उसके ऊपर की जो हवा होगी ना, वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी। इतनी जल्दी वो गर्म होगी, उतनी जल्दी वो ऊपर ऊपर जाएगी, तो उस गर्म जगह की हवा को भरने के लिए ठंडी हवा आएगी। ठंडी हवा किस जगह से आएगी? इंडियन ओशन की तरफ से आएगी। तो जो हमारा वर्ल्ड मैप है उसमें इंडिया के नीचे देखोगे तो इंडियन ओशन आएगा, इस तरफ आपको जो है इंडियन ओशन दिखेगा। सो इंडियन ओशन की तरफ से जो कूल एयर्स होंगी वो इस तरफ से फ्लो करेंगी। तो आप खुद देख सकते हो अपनी बुक खोल के, या फिर यहाँ पे देख लो, ठीक है? लेफ्ट साइड में देखो इंडियन ओशन,
उसकी तरफ से हवा उस तरफ जा रही है, राजस्थान की साइड से ही होती हुई। तो ये केस कब है? समर के अंदर। तो मैंने अभी बताया ना, समर के अंदर क्या होगा, लैंड की जो हवा है वो गर्म हो जाएगी, ऊपर जाएगी, तो हमारा जो ओशियन होगा, जो सी होगा, जो वाटर होगा, उसकी तरफ से हवा लैंड पे आएगी। तो वही हो रहा है, वाटर से लैंड की तरफ फ्लो कर रही है एयर। अब सेकेंड केस के अंदर देखो, जब विंटर है, ठीक है, तो विंटर के अंदर क्या होगा, विंटर के अंदर जो हवा है वो इससे ऑपोजिट फ्लो करेगी, हवा जाएगी लैंड से वाटर की तरफ। तो इसके अंदर एक चीज और लिखी हुई है, यहाँ पर लिखा है कि जब जो हमारी हवा है, जो हमारी विंड्स हैं, वो पानी लेकर आएंगी कहाँ से, ओशन की तरफ से लैंड की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर जब हमारी विंटर्स होती हैं, सो वो बहुत कम अमाउंट में पानी लेकर आती हैं, तो इसीलिए जो हमारी विंटर है उसमें हमारी बहुत कम बारिश होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आता है बात थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। थंडर स्टॉर्म बेसिकली आते ही रहते हैं, जहाँ पर भी हमारा हॉट यानी कि गर्म और नमी वाला, जहाँ पर भी हमारा ऐसा एरिया होगा जो कि हमारा इंडिया के अंदर है, ट्रॉपिकल एरिया है, वहाँ पर ये थंडर स्टॉर्म आते ही रहेंगे। सो राइजिंग टेम्परेचर्स प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स। दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट इनवर्ड अपवर्ड वेयर दे फ्रीज फॉल डाउन अगेन। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड। इसी को हम थंडर स्टॉर्म बोल देते हैं। देखो यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है, टेम्परेचर मेरा बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मेरी जो विंड है, ठीक है, विंड जो होगी मेरी ऊपर जाएगी। ये तो हमें पता है, गर्म हवा ऊपर जाएगी, क्योंकि जब हम गर्म करें तो गर्म हवा ऊपर ही जाएगी ना। अब उसकी जगह भरने के लिए मेरी कोल्डर एयर आएगी, जो कि मेरी वाटर ड्रॉपलेट्स को भी साथ में लेकर आएगी, क्योंकि वो पानी की तरफ से आ रही हैं हवाएं। सो वो वाटर ड्रॉपलेट्स को साथ में लेकर आएंगी। अब वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं मेरी, वो ऊपर की तरफ जाएंगी, ठीक है। जैसे ही वो मेरी अपवर्ड मूव करेंगी, वहां जाकर वो ठंडी हो जाएंगी। भाई गर्म हवा थी तभी तक तो वो ऊपर जा रही थी, ऊपर जाने के बाद जब वो ठंडी हो जाएंगी तो वो फ्रीज हो जाएंगी। सो बेसिकली जो मेरी बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स होंगी ना, वो बारिश की फॉर्म में यानी रेन की फॉर्म में वो अर्थ पे गिर जाएंगी, ठीक है। सो द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, एक तो मेरी वो वाटर ड्रॉपलेट्स गिर रही हैं जो ऊपर जाके ठंडी हुई, एक तो मेरी वो गिर रही हैं, और एक मेरी जो है एयर जो है वो राइज कर रही है ऊपर की तरफ। इन दोनों की ही वजह से वहां पर एक तो बिजली होगी और आवाज भी होगी, सो लाइटनिंग भी होगी और साउंड भी होगी। उसी को हम थंडर स्टॉर्म बोल देते हैं। यहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस लिखे हुए हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। शेल्टर ले लेना चाहिए, ठीक जगह पे शेल्टर लेना चाहिए, विंडो के पास में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ओके, ये सब हमारे जो है प्रिकॉशंस हैं, इनको आप देख सकते हैं। सो हाउ अ थंडर स्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन। अब जो मेरे एक थंडर स्टॉर्म है वो साइक्लोन कैसे बनता है, हम ये चीज़ पढ़ते हैं। यू नो दैट वाटर रिक्वायर्स हीट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट। जब पानी मेरा लिक्विड से वेपर में जाता है, यानी कि वो जब लिक्विड होता है और जब वो भाप बनता है, इन दोनों के लिए उसको कुछ हीट की जरूरत होती है। हीट की जरूरत होगी तो वो पानी से भाप बन जाएगा, ठीक। सो वाटर गिव्स बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड। अब इसी का उल्टा होता है, सेम चीज है, जब मेरे को उसको पानी से भाप बनाने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है, मतलब हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है, उसको गर्मी देनी पड़ रही है, तो उसको फिर से मेरे को वेपर से यानी भाप से उसको फिर से पानी बनाने के लिए उसमें से एनर्जी निकलेगी, यानी हीट जो होगी, जो मेरी उसमें गर्मी होगी वो निकल जाएगी, ठीक। उसमें कन्वर्ट होने के लिए उसने ली और उसको वापस से बैक कन्वर्ट होने में उसने दी, यही चीज बोली है। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ अ साइक्लोन, इसको मैं अभी बाद में बताती हूँ, पहले हम नीचे आते हैं। बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमोसफेयर टू चेंज इन टू वेपर। सो यहाँ पर ये कह रहा है कि क्लाउड फॉर्मेशन से पहले वाटर जो है वो मेरा हीट ले लेता है एटमोसफेयर से। एटमोसफेयर से वाटर जो है वो हीट लेगा और वो किस में बदल जाएगा, वेपर में। इतनी बात समझ में आ रही है। व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक टू लिक्विड। देखो जो मेरा लिक्विड था, पानी ने गर्मी ली, भाप बन गया। भाप बनने के बाद उसके बाद में उसने कहा है कि वो वापस से किस में आएगा, लिक्विड में आएगा। फिर वो तभी तो बारिश होगी ना, जब वो वापस से लिक्विड आएगा तो वो अपने अंदर से हीट निकालेगा,
तो हीट निकाली उसने। अब वो जो उसने हीट निकाली वो कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, वो एटमॉस्फेयर में तो जाएगी, तो आसपास के वातावरण में ही वो मेरी गर्मी जाएगी, हीट जाएगी। अब उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे वातावरण जो होगा पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो वार्म अप हो जाएगा, पूरा गर्म हो जाएगा, सारी हवा जो होगी वो गर्म हो जाएगी। जो हवा जब मेरी गर्म हो जाएगी उसके बाद में वो हवा कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ। सो हवा जो मेरी गर्म है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी, जिससे कि वहां पर प्रेशर कम हो जाएगा। सो प्रेशर विल डिक्रीज। तो प्रेशर डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि वहां पर अब और ज्यादा हवा अंदर की तरफ आएगी। सो यही चीज जो है मेरी रिपीट होती रहेगी और इससे मेरा साइक्लोन बनता है। द चेन ऑफ इवेंट्स एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लो प्रेशर सिस्टम। सो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हम ये चीज कह सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारा वाटर है, जो मेरा पानी है, उसने हीट ली, ठीक है। हीट लेने के बाद वो वेपर की फॉर्म में चला गया, वो वेपर बनेगा। वेपर बनने के बाद जब वो कंडेंस होगा, तो यानी कि वो वापस से जो है वाटर बनेगा, तो वो हीट को रिलीज करेगा। हीट जो रिलीज होगी वो मेरे एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी, यानी आसपास की जो हवा है इसका मतलब वो गर्म हो जाएगी, ठीक है। तो जो हीट रिलीज होगी उससे हवा गर्म हो गई, हवा गर्म होने की वजह से हवा ऊपर की तरफ राइज अप होना स्टार्ट हो जाएगी। हवा ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो उसका मतलब उसकी जगह लेने के लिए अब और हवा आएगी। और हवा उस जगह पे आएगी, जिसकी वजह से वहां पर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ है इसका मतलब वहां पे बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी है। स्टार्टिंग में बताया था मैंने, वहां पे ज्यादा अगर विंड की स्पीड है, ज्यादा अगर स्पीड है वहां पर, तो इसका मतलब वहां पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि वहां पर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ है तो और ज्यादा हवा जल्दी जल्दी जो है वो अंदर की तरफ बढ़नी शुरू हो जाएगी। जितना ज्यादा वो लो प्रेशर एरिया जब मेरा क्रिएट होगा, उतनी ज्यादा हवा अंदर की तरफ आएगी। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा जिसमें जो सिस्टम है उसकी बहुत ज्यादा लो प्रेशर होगा और उसके चारों तरफ बहुत तेज स्पीड की हवा होगी। उसी को जो है हम बोल देते हैं साइक्लोन। बीच में हमारा एक लो प्रेशर एरिया होता है और उसके साइड में बहुत तेज स्पीड में घूमती हुई हवाएं होती हैं, ठीक है। लो प्रेशर एरिया बीच में, हाई स्पीड विंड्स जो उसके साइड में रिवॉल्व करती हैं, और फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड, विंड की डायरेक्शन, टेम्परेचर, ये सब इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है ये साइक्लोन का बनना। देखो यहाँ पर जो है ना, ये इसका डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम के अंदर आपको इस चीज़ को पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ अ साइक्लोन। साइक्लोन जो है ये जो सेंटर होता है ना इसका, वो बिल्कुल एकदम काम होता है, ये साइड से बहुत ज़्यादा ऐसा दिखता है। जो बीच वाला जो उसका सेंटर है, जो कि जिसको काम एरिया बोला गया है, इट इज द आई ऑफ द स्टॉर्म, आंख है ये उसकी। अ लार्ज साइक्लोन इज अ वायलेंटली रोटेटिंग मास ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर। तो लगभग देखो कितना हो सकता है, 10 से 15 किलोमीटर तक ये ऊंचा हो सकता है, और डायामीटर जो है इसकी आंख का, यानी कि जो इसका सेंटर का पार्ट है, वो 10 से 30 किलोमीटर चौड़ा हो सकता है। इट इज़ अ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स। अब इस रीजन के अंदर, यानी जो उसका सेंटर वाला पार्ट है ना, जो बीच का जो ऐसा गोला है, उसके अंदर ना तो कोई क्लाउड है, ना तो को इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं हैं, बहुत हल्की हल्की हवाएं होंगी, होंगी भी तो उसके अंदर, इसीलिए जो है इसको काम एरिया बोला गया है, ठीक है, बिल्कुल शांत एरिया। अराउंड दिस काम एरिया, अब इसी शांत एरिया के बिल्कुल आस पास देयर इज अ क्लाउड रीजन ऑफ 150 किलोमीटर इन साइज। इसी के साइड में जो है पूरा एक क्लाउड का रीजन होगा जो करीब 150 किलोमीटर तक फैला हुआ होगा। तो ये इसका साइज है इतने किलोमीटर का। इन दिस रीजन देयर आर हाई स्पीड विंड्स, बहुत तेज स्पीड की विंड्स होंगी इसके अंदर, 150-250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो चल रही होंगी, और थिक क्लाउड्स यानी भारी भरकम जो हमारे क्लाउड्स होंगे वो भी इसी के अंदर होंगे। अवे फ्रॉम दिस रीजन द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस। अब जैसे ही इस रीजन से तुम दूर दूर जाते जाओगे तो विंड की स्पीड जो है वो कम होती जाएगी। ऑब्वियसली बात है भाई, उसके चारों तरफ ही तो ज्यादा है, उससे दूर जाओगे तो कम ही होगी। द फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। नाउ लेट सी दिस फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन। ये देख रहे हो बीच में जो वो खाली ऐसा डॉट डॉट लगा हुआ है ना, वही है इस साइक्लोन की आंख आई, ठीक है। देखो 10 से 30 किलोमीटर चौड़ा दिखा रखा है, और पूरा साइक्लोन जो जितना चौड़ा है वो 150 से 250 किलोमीटर तक का होगा। देखो बेसिकली इसके अंदर जो हमारी डायरेक्शन है ना, साइक्लोन की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। तो साइक्लोन मूव कैसे कर रहा है, साइक्लोन ऐसे ऐसे जाता जा रहा है और ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है। साइक्लोन ऐसे 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 मूव करता जाएगा।
सो इसमें हवा की मूवमेंट देखो कैसे है, हवा की मूवमेंट है ऐसे 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 और फिर सीधा ऊपर, और फिर ऊपर से वो सीधा बाहर फेंक देता है साइक्लोन जो होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे ये बढ़ती जाती है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द राइजिंग एयर, ऊपर की तरफ बढ़ती हुई हवा है ना। तभी तो मैंने कहा जो गर्म हवा होती है वो नीचे होती है, ऊपर की तरफ जाएगी ठंडी होगी, बाहर की हवा जो है वो गर्म हो जाएगी। गर्म होने की वजह से क्या होगा, वहां पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होने की वजह से साइक्लोन बन जाएगा। सो लो प्रेशर एरिया सेंटर में यहाँ पर बीच में हो जाएगा, उसकी वजह से हवाएं जो है ये और ज्यादा तेज तेज मूव करना स्टार्ट कर देंगी। सो यहाँ पर इसकी वजह से और ज्यादा ये जो अपने आसपास की हवा है इसको और ज्यादा खींचेगा, ठीक है। सो इस तरीके से साइक्लोन होता है। और यहाँ पर जो है आप बिल्कुल जो एक सेंटर पार्ट होता है ना वो बिल्कुल ऐसे खाली खाली सा दिखता है, और उसके साइड में सारे में आपको वो मलबा टाइप जो है जो भी चीज वो लेगा ऑफकोर्स वही सभी आपको दिखेगा उस साइक्लोन के अंदर। सो इस इमेज के अंदर आप देख सकते हो बीच में जो आपको एक खाली स्पेस दिख रहा है इस ब्लू वाले के अंदर, ठीक है, तो वही जो है इसकी आई है यहाँ पर देखो। अब इसके अंदर बात करते हैं डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन क्या करी है इसने। साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश वाटर टूवर्ड्स द शोर। अब इससे जो है पानी पर भी फर्क पड़ता है, पढ़ लेते हैं कैसे फर्क पड़ता है। तो इवन इफ द स्टॉर्म इज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे, अगर जो मेरा स्टॉर्म है जो साइक्लोन अगर आ रहा है तो वो अगर कई 100 किलोमीटर दूर भी है, उसके बावजूद जो हमारी तेज तेज हवाएं होंगी ना उससे वो पानी जो है वो किनारे की तरफ चलता जाएगा। सो दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशंस ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन। सो ये आपको इंडिकेट कर देता है कि भाई साइक्लोन आने वाला है। द वॉटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन के नॉट ओवरकम देम। तो इतनी पावरफुल होती है कि इंसान तो टिक ही नहीं सकता है, चाहे वाटर वेव्स हो चाहे वो हम साइक्लोन की हवाओं की बात कर रहे हो। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस टू द सेंटर। अब देखो मैंने कहा बीच में हमारा लो प्रेशर एरिया बनता है, उसके साइड में बहुत तेज तेज हवाएं ऐसे चलती हैं, ठीक है। तो बीच में जो मेरा लो प्रेशर एरिया है ना वो सब चीज को खींच के लाएगा, तो उसके आसपास में तभी हम कहते हैं कि साइक्लोन जो है ना वो जिस जिस पाथ पे मूव कर रहा है, जहां जहां से भी वो मूव कर रहा है ना, जहां जहां से भी वो जाएगा, सो वहां से वो उसके रास्ते में जो चीज आएगी वो उसको निगल जाएगा। तो उसके रास्ते में जो जो चीज आएगी चाहे वो घर है चाहे वो कुछ भी चीज है उन सबको वो अपने लपेटे में ले लेगा, और वो सबसे क्योंकि लो प्रेशर एरिया बीच में बन रहा है तो सबको ऐसे ऐसे घुमा के। और सो लो प्रेशर एरिया इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस। अब क्योंकि अगर पानी भी वहां पर आ गया तो वो पानी को भी क्या करेगा, ऊपर की तरफ ऐसे से लिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि नीचे से ऊपर ऊपर की तरफ मूवमेंट होती है साइक्लोन के अंदर, नीचे से ऊपर की तरफ। सो लो प्रेशर एरिया की वजह से वाटर भी ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, 3 से 12 मीटर ऊंचा जा सकता है जो पानी होता है, और वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा जैसे ये पिक्चर के अंदर दिखाया गया है, ठीक है। राइजिंग वाटर है, साइक्लोन की वजह से ये ऊपर की तरफ उड़ रहा है, बीच में आप देख सकते हो इस तरीके से बन रहा है उसके अंदर। इट अपियर्स लाइक अ वाटर वॉल, ठीक है। सो द सी वाटर एंटर्स अ लो लाइंग कोस्टल एरियाज, जो मेरी समुद्री तटीय जो इलाके हैं जो तट के जो पास के इलाके हैं उनमें जो है समुद्री पानी इस तरीके से घुस जाएगा, वहां पे तो सभी बर्बाद हो जाएगा, जो भी हमारे इस तरीके से वहां पे रहने वाले लोग होंगे उनके घर होंगे और जो हमारी वहां पर सॉइल की जो फर्टिलिटी है सब चीज बर्बाद। कॉन्टिन्यूस हैवी रेनफॉल, और अगर वहां पे बारिश होने लग गई तो और भी ज्यादा बदतर सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उससे बाढ़ आ जाएगी और भी बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं। हाई स्पीड विंड्स एकम्पनिंग अ साइक्लोन कैन कॉज, सेम चीज है, अगर बहुत हाई स्पीड का जो है साइक्लोन वहां पर आ रहा है घर को डैमेज होगा, टेलीफोन कोई भी इलेक्ट्रिक वायर है और कोई भी कम्युनिकेशन की वजह से कोई भी चीज़ जो है आपकी वो सभी चीज़ का लॉस है, लाइफ और प्रॉपर्टी का तो है ही है। सो साइक्लोन जो है हम इसको साइक्लोन बोलते हैं यहाँ पर, और डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड के पार्ट्स में इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है, जैसे कि जापान में इसको टाइफून बोलते हैं, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है अमेरिकन कॉन्टिनेंट यानी कि ये वाला जो इलाका है ना ये बीच वाला इलाका इसको हरिकेन बोलते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर फिलीपींस भी है, फिलीपींस और जापान में टाइफून बोलते हैं, ठीक है, और ये आपको दिखा रखा है कि किस किस जगह पे इसको किस किस नाम से बोला जा रहा है। सो यहाँ पर साइक्लोन है, यहाँ पर हरिकेन है और यहाँ पर टाइफून है। अभी देखो यहाँ पर ये आपसे वही चीज कह रहा है
कि आपको क्या करना चाहिए, और यहाँ पर ही किसी के बारे में बता रहे हैं जो टॉर्नेडो के सर्वाइवर्स हैं डिस्कवरी चैनल से। यंग डिस्कवरी सीरीज, इन्होंने बताया है किस किस तरीके से इन्होंने उसको निपटा है। जो लोग बच जाते हैं वो लोग बताते हैं उन्होंने क्या देखा वहां पर, क्या हुआ। ठीक है, तो अगर डिस्कवरी वगैरह पे आपने कभी देखा हो या फिर इन सब चैनल्स पर इन सब चीजों के बारे में दिखाया जाता है, बताया जाता है, ठीक है, तो देख लेते हैं। टोर्नेडोस, टोर्नेडोस हमारी कंट्री में इतनी जल्दी नहीं आते हैं। टोर्नेडो एक डार्क फनल शेप्ड क्लाउड होता है, ठीक है, ये इस तरीके का दिखता है, देख रहे हो, फनल जैसा, ऊपर से इस तरीके का है और नीचे इस तरीके से जा रहा है। ऊपर से पूरा इतना बड़ा है ना क्लाउड जैसा, तो इतना बड़ा क्लाउड ऊपर की तरफ है और नीचे वो थोड़ा पतला है, सो इसलिए उसको फनल टाइप बोला है। और ये जो होता है ना, ये हमारा नीचे से ऊपर नहीं, ये ऊपर से नीचे होता है। सो बेसिकली इसकी जो होती है ये ऊपर, हाँ ये लिखा हुआ, दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। सो ये किस तरीके से होता है, स्काई से ग्राउंड की तरफ। ज्यादातर टोर्नेडोज जो होती हैं वो वीक होते हैं। अ वॉयलेंट टोर्नेडो कैन ट्रेवल स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये हमारा एक वॉयलेंट टोर्नेडो के बारे की स्पीड लिखी हुई है। अब ये कह रहा है कि टोर्नेडोज में फॉर्म विद इन साइक्लोन्स, एक साइक्लोन के अंदर ही टोर्नेडो भी बन सकता है। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल टू साइक्लोन्स। अब जितने भी मेरे तट के पास के इलाके हैं ना पूरे इंडिया में, उन सब में ये भाई पॉसिबिलिटी है कि वहां पर साइक्लोन तो आ ही सकता है। पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट, द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज लेस वल्नरेबल टू साइक्लोनिक स्टॉर्म बोथ इन। वेस्ट कोस्ट की तरफ जो है इतनी ज्यादा वहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है, ईस्ट की तरफ ज्यादा है, ये चीज कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर ये कुछ सेफ्टी मेजर्स बता रहे हैं, तो बेसिकली आपको जो है ध्यान रखना चाहिए, आपको जो फोरकास्ट दिए जाते हैं उनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, आप इन सबको पढ़ सकते हैं खुद से भी। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स जो हैं, जहाँ पर ज़्यादा संभावना होती है कि भाई यहाँ पे साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पर साइक्लोन से निपटने के लिए कुछ शेल्टर्स होने चाहिए, ताकि जब उनको ऐसी आपदा में ज़रूरत पड़े तो लोग वहाँ पर जाकर जो है ठहर सके, रह सके। ठीक है, जहाँ पर भी आपको लोगों की तरफ से क्या एक्शन होना चाहिए, इसके अंदर यही चीज़ है कि आपको जो वार्निंग दी जा रही है उसके आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो चीज़ों की आपकी ज़रूरत पड़ती है, घर के जो सामान है, आपका कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट का चीज़ है, जो एनिमल्स हैं, गाय है, बैल है, भेड़ बकरी, जो भी चीज़ है, ठीक है, उन सबको आपको सुरक्षित कर लेना चाहिए अगर आप कर सकते हैं तो। इसके अलावा रोड वगैरह पे आपको नहीं ड्राइविंग करनी चाहिए। फ्लड्स का आपको देख लेना चाहिए। इसके अलावा फोन नंबर्स आपको रेडी रखने चाहिए, आपको कभी भी उनकी जरूरत पड़ सकती है। सम प्रिकॉशंस इफ यू आर स्टेइंग इन साइक्लोन हिट एरिया, सो आपको पानी नहीं पीना चाहिए, कंटेमिनेटेड हो सकता है, और स्विच वगैरह को नहीं छूना चाहिए क्योंकि हो सकता है कहीं से तार वगैरह टूट गए हो, पानी के अंदर गिर गए हो, करंट आ रहा हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और बाहर नहीं जाना है, मस्ती मारने के लिए भी नहीं जाना चाहिए। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स, कॉपरेट। ओके, दीज आर दी थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड। वी हैव लर्न, अब देखो ये वाला जो होता है ना, ये मेरा एनीमोमीटर होता है। तो बेसिकली जो हमारा ये साइक्लोन है ये किससे रिलेटेड है, ये हमारा किससे रिलेटेड है, स्पीड ऑफ विंड से। जितनी ज्यादा स्पीड ऑफ विंड होगी उतना ज्यादा लो प्रेशर एरिया बनेगा, लो प्रेशर एरिया की वजह से और ज्यादा हवा आएगी, हवा बनने से साइक्लोन बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो विंड स्पीड है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारा स्टॉर्म्स के अंदर, तो इसीलिए हमारा जो स्पीड ऑफ विंड है उसको जानना बहुत जरूरी है। स्पीड ऑफ विंड ज्यादा है, कम है, किस डायरेक्शन में है, ये भी। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द विंड स्पीड इज कॉल्ड एन एनीमोमीटर। अब मेरा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इस विंड स्पीड को मेजर करता है, वो एनीमोमीटर कहलाता है, और वो कुछ इस तरीके का दिखता है। देखो इस वाले में दे रखा है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, साउथ वेस्ट, इस तरीके से भी डायरेक्शन इसमें पता चल सकती है। एडवांस टेक्नोलॉजीज हैज हेल्प, तो ये कहना चाह रहे हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी जो आ गई है उनसे काफी मदद मिली है। इसका मतलब है कि जो हमारे पहले जो लोग होते थे उनको अगर नहीं पता चल पाती है तो उनको उस चीज का सामना करना पड़ता था, जैसे कि काफी देर हो गई हमें पता लगने में। ठीक है, तो ज्यादातर चीजें जो है हमारी वो डिस्ट्रॉय होती चली जाएंगी। लेकिन क्योंकि अब जो हमारे पास में ये सैटेलाइट्स वगैरह हैं, रेडार्स हैं, इन सब चीज़ों से हम सब चीज़ की एक्टिविटी को पता लगा सकते हैं, सो हम ऐसे एरियाज में खासकर नजर रख सकते हैं जहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर साइक्लोन की, टोर्नाडोज की आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो ऐसे ही सिचुएशन में जो है हम सैटेलाइट की हेल्प से जो है जो वेदर रिपोर्ट्स हैं ये सब चीज़ें हैं इन सब चीज़ों की हेल्प से
हम जो है अप टू डेट रह सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमें ध्यान देने की जरूरत है, या फिर क्या ऐसा कोई साइक्लोन आने वाला है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आने वाली है, तो उसके लिए हम पहले से ही तैयार रह सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, थैंक्स टू सैटेलाइट्स एंड रेडार्स अ साइक्लोन अलर्ट, साइक्लोन आने वाला है, इसका अलर्ट जो है वो 48 घंटे यानी 2 दिन पहले या फिर 24 घंटे पहले, 1 दिन पहले ही आपको बता दिया जा सकता है। तो आपकी जो जो चीज़ें हैं आप उनको सुरक्षित कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ से कहीं और माइग्रेट भी कर सकते हैं। द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी हाफ आवर मैंने साइक्लोन इज नियर द कोस्ट। सो एक मैसेज जो है वो ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है हर आधे घंटे में, 1 घंटे में, जैसे ही साइक्लोन जो है आपकी कोस्ट के पास में आने वाला होता है, उस तट के पास में आने वाला होता है। सो सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कॉपरेट टू मॉनिटर दी साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर्स। तो ऐसी बहुत सारी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेशनल भी हैं यानी इंडिया के अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, जो इन सब चीज़ों की एक्टिविटी के ऊपर नज़र रखती हैं और इन सब चीज़ों को जो है मॉनिटर करती रहती हैं। सो ये हमारा था इस चैप्टर के अंदर। यहाँ पर आप इसके अंदर भी पढ़ सकते हो, डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन दो टू रीजन्स, अगर दो टेम्परेचर अगर दो रीजन है उन दोनों रीजन्स के बीच में टेम्परेचर का कुछ डिफरेंस है, सो वहां पर कन्वेक्शन होगा। वी नो दैट कन्वेक्शन की वजह से क्या होगा, गर्म हवा, जहां पर मेरा टेम्परेचर ज्यादा है गर्म हवा होगी ऊपर जाएगी, उसकी जगह को फिलअप करने के लिए ठंडी हवा उसकी जगह पर आने शुरू हो जाएगी और वहां पर एक लो प्रेशर एरिया भी क्रिएट होगा। ठीक है, सो जो वार्म हवा होगी वो ऊपर जाएगी, ठंडी होगी, ठंडी होने की वजह से मेरा जो वाटर वेपर्स होंगे वो कंडेंस होंगे, कंडेंस होंगे तो वो हीट एनर्जी को बाहर देंगे, यानी कि जो गर्मी है वो बाहर की तरफ जाएगी, गर्मी बाहर जाएगी तो बाहर वाला एरिया जो है वो गर्म हो जाएगा। सेम वही चीज़ है जो मैंने बताई थी। और जो मेरी बिगर वाटर ड्रॉपलेट्स जो बनेंगी कंडेंस होने के बाद में जो पानी बनेगा वो नीचे गिरेगा रेन की फॉर्म में। फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स एंड राइजिंग एयर अबव दे बोथ प्रोड्यूस थंडरस्टॉर्म, क्योंकि जो मेरा पानी भी गिर रहा है और मेरी जो हवा है वो ऊपर की तरफ भी जा रही है, दोनों चीज़ें मिलके थंडर स्टॉर्म बना देंगे, वहाँ पर थंडर स्टॉर्म हो जाएगा। अंडर सर्टेन वेदर कंडीशन स्टॉर्म्स में डेवलप इंटू साइक्लोन्स, ऐसी वेदर कंडीशंस के अंदर जो स्टॉर्म है वो साइक्लोन्स में भी बदल सकते हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।